Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. आप वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ नदी गहरी भी है और उबलते तेल के समान पुष्ट भी है। वहाँ जाकर मूर्खता मत करो, ये भ्रम मत पालो कि तुम्हारे इस उबलते तेल में उतरने से ये तुम्हें छोड़ देंगे। इनकी मृत्यु हो चुकी है। उस खोलते पानी का भी उन पर कोई असर नहीं होगा, किंतु वहाँ तुम्हारी मृत्यु अवश्य हो सकती है। कहा था मत जाओ। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। यदि मित्र असुरों का शरीर ही नहीं रहेगा तो हम उन्हें मृत संगली तक लेकर कैसे जाएंगे? अब ये असुर कौन सी नई योजना बनाएंगे? आज के इस युद्ध का अंत तो हो रहा है, तो अब मुझे उस दुष्ट भंडासुर की कपट योजना का रहस्य ज्ञात करना चाहिए। सत्य कहा था तुमने, स्वयं अपने भाग्य की रचना करने के लिए, अपने पूर्वजों से भेंट करने के लिए तुम कुछ भी सह सकते हो। भेंट करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा अनुसार उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। चलो, एक बाधा तो तुमने पार की, किंतु असुर महानायक भंडासुर, तुमसे पहले जिसने भी यहाँ पहुंचकर अपने दोनों हाथों से इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, उनकी ऐसी दुर्दशा हुई, तो फिर तुम एक ही हाथ से कैसे आगे बढ़ोगे? ऊपर चढ़ते हुए यदि तुम गिर गए तो ये नुकीले पत्थर तुम्हारे शरीर में छिद्र कर देंगे। यदि पीछे जाने का सोचा तो ये असुर तुम्हें मार डालेंगे। अब तुम क्या करोगे? सभी चुनौतियां जिसके सामने आने पर घुटने टेक देती है, उस भंडासुर के आगे आज ये भयंकर पितृ पर्वत भी झुकने के लिए विवश हो जाएगा। ये भयानक गर्जना, इन मृत शरीरों की वर्षा, पितृ पर्वत की चेतावनी, असुर महानायक भंडासुर, इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए यहाँ तक आने में पुनः सोच लो, कर पाओगे वो भी मात्र एक हाथ से? भंडासुर के कौशल, साहस और शक्ति पर संदेह करने का दुस्साहस मत करो, और एक हाथ से चढ़ना होगा। ये किसने कहा? तुम हो ना मेरे साथ, मेरा दूसरा हाथ बनने के लिए। मैं तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं बन सकता, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ जो इस चढ़ाई पर तुम्हारा भार उठा सकूं? किंतु मुझ में तो अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं किसी को भी कुचल कर रख दूं, तुम्हें भी। नहीं, नहीं। हाँ कहोगे तो सुरक्षित रहोगे, और अगर ना कहोगे तो तुम्हारा रहना ना रहना दोनों एक समान होगा। रुको रुको रुको, रुक जाओ, मैं बनूंगा तुम्हारा हाथ, दूंगा तुम्हारा साथ। तो दूर हो गई, अब अगली चुनौती इस पर्वत पर चढ़ना है। हाँ,
मत भूलो, तुम में जितनी शक्ति इस स्थान के बाहर थी अब नहीं है। मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहीं, उसके लिए तो एक भाग ही पर्याप्त है। मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हो? सफलता के मार्ग पर कष्टों की चिंता नहीं करता मैं। शिखर पर पहुंचने के लिए सीढ़ी तो प्राप्त हो गई मुझे, तो चलो अब चढ़ना आरंभ करो। भंडासुर कहाँ और किसकी सहायता से अपने क्या कपट योजना संपन्न करना चाहता है, और मुझे कहीं भी उसका आभास क्यों नहीं हो रहा है? सृष्टि के कण कण में माता का वास है, और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ भी माता ही है। भंडासुर कहाँ है ये रहस्य उनसे कदापि छिपा नहीं रहेगा। माता, असुरों की गर्जना, ये कैसे उत्पन्न हुई? इस द्रव्य के प्रभाव से ये असुर तो पुनर्जीवित होने लगे। अमरपुर से इस मृत संजीवनी सुरा की वर्षा करवा कौन रहा है? हमारी ये युक्ति अवश्य सफल होगी। शव यहां नहीं आ सकते तो क्या हुआ? मृत संजीवनी सुरा तो उस राग तक पहुंच सकती है। तुम्हारी कुटिलता का अंत अब यही होगा। हमारे असुर पुनः जागृत हो गए। हम सफल हो गए। हमारी सुरा वर्षा ऐसे ही होती रहेगी, और अब न तुम्हें कोई क्षति पहुंचेगी और ना ही हमारी पराजय होगी। मेरी विजय का उपाय शीघ्र ही प्राप्त होगा मुझे, क्योंकि कुछ ही क्षणों में पितृ पर्वत के शिखर पर होंगे हम। हम नहीं, नहीं भंडासुर, हम नहीं। एक बात मैं होऊंगा पितृ पर्वत पर, और तुम होगे वहां नीचे उन कंकालों के मध्य। मुझे तुम्हारी आवश्यकता बस यहीं तक थी। भंडासुर गिरेगा नहीं, ऊपर पहुंचेगा। असुर महानायक भंडासुर, मैंने जो किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें, और मुझे नीचे गिरने से बचाने के लिए मेरी सहायता कीजिए।
मैं क्षमा ना करता हूँ ना मांगता हूँ। तुम्हें नीचे गिराने में मुझे कोई संकोच नहीं। जब तुम्हारी कोई आवश्यकता ही शेष नहीं। किसी का लाभ उठाकर उसे ठोकर मारना तो चलता है। असुर महानायक भंडासुर, तुम्हारा स्वागत है। हो ना हो इस गुफा में तप्त लावा जिसके द्वार की बाधा है, मेरे असुर पूर्वज वहीं मिलेंगे। ये सुरा वर्षा रुकेगी तभी उस दुष्ट भंडासुर का ये षड्यंत्र विफल होगा, और मुझे ज्ञात है ये कैसे करना है। माता, मृत संजीवनी सुरा को हम देवता ग्रहण और नष्ट नहीं कर सकते, किंतु सभी सुराओं के स्वामी सुरा सागर इसे अपने भीतर समाहित कर इन असुरों को रोक सकते हैं। सुरा सागर प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता। प्रणाम गणेश जी। आज्ञा दीजिए माता। सुरा सागर, मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ सभी सुरा को एकत्रित कर अपने भीतर ही समाहित रखो। जैसी आज्ञा माता। बुद्धि के देवता गणेश जी ने अपने कुशागर बुद्धि से इस समस्या का समाधान ढूंढ ही लिया। भंडासुर की इस युक्ति को असफल करने के बाद मैं आगे भी उसकी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मेरे पूर्वजों, तुम यहाँ हमारे निकट पहुँचने में सफल हुई गए भंडासुर। मैं हिरण्यकश्यप असुरों के प्रथम भगवान नारायण के प्रति मेरी मत्सर के कारण नारायण के हाथों मेरा अंत हुआ। इन कानोच असुरों के दूसरे भगवान से कहीं कम ना था मैं। बस मेरा भी यही मत मेरे अंत का कारण बना। और हम अनंत सृष्टि पर राज करते हैं, तो हमारे लोग ने हमारा सर्वनाश कर दिया। अकेला ही अपने अनेक प्रतिरूपों से समस्त ब्रह्मांड को भर देता, किंतु मेरे लोभ के कारण मेरा वध हुआ। इन सभी असुरों से भी पहले हम चंड मुंड ही असुर महानायक थे। हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, किंतु हमारे क्रोध ने उसका द्वार खोल दिया। महानतम असुर सम्राट महिषासुर हूँ मैं। मेरे अन्य विकारों से भी अधिक मुझ पर काम विकार के प्रभाव ने मेरा हत कर दिया। यही जल कट कर मृत्यु का धीरे धीरे अभ्यास कर लो भंडासुर। शीघ्र तुम्हें भी तो हमारे साथ यहाँ होना है।
क्योंकि तुम सभी विकारों के सम्राट हो, अत्यंत विनाशकारी। अपना अंत करवाने नहीं, देवी पराशक्ति के विरुद्ध युद्ध में आपके योगदान के स्वरूप वो महास्त्र प्राप्त करने आया हूँ, जिससे मैं उस देवी को या मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अन्य देवता और भगवान को परास्त कर सकूं। हम तुम्हारी सहायता क्यों करेंगे? उत्तर दो भंडासुर, हम तुम्हारे सहायक क्यों बने? मैं कार्तवीर्य अर्जुन हूँ, जो एक समय सहस्त्र भुजाओं वाला अत्यंत बलशाली असुर सम्राट था। तो इस पूरे समय तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। और तुम अपने साहस, सहनशीलता के साथ छल और कपट में अपनी निपुणता का परिचय देकर सफल रहे। ऐसे महान असुर की सहायता करना तो चलता है। तुम्हारे इन सभी गुणों का प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमारे सामने है। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। हम तुमसे प्रभावित हुए भंडासुर, और तुम्हें सभी शक्तियों की शक्ति के साथ भगवान को भी आहत करने का महाअस्त्र प्राप्त करने का उपाय अवश्य बताएंगे। किंतु उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि भगवान उस उपाधि के योग्य क्यों बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने बड़े त्याग किए हैं। महेश ने हलाहल का पान करके नीलकंठ की उपाधि प्राप्त की है। नारायण ने सृष्टि के पालन हेतु अनेकों अवतार लेकर साधारण जीवों के समान जीवन की कठोरता का सामना किया है। देवी लक्ष्मी अंग त्यागने के बाद ही श्री लक्ष्मी बनी। कठोर तपस्या के बाद हिमालय पुत्री पार्वती देवी पार्वती बनी। ब्रह्मदेव ने भी अपना पांचवा शेष खोकर महानता प्राप्त की है। उनके समान हमारे असुरों ने भी बहुत त्याग किए हैं, किंतु हमारे त्याग में एक भाव नहीं था, और जो सभी भगवानों में था वो है निस्वार्थ प्रेम का भाव। किंतु हमें जो ज्ञात ही नहीं, जो हमने सीखा ही नहीं, वो भला हम कैसे करते? निस्वार्थ स्नेह हम असुरों को आता ही कहाँ? निस्वार्थ स्नेह? पिताश्री, आपके समान मैं भी आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, आपको खोना नहीं चाहती। संपूर्ण सृष्टि में यदि किसी से निस्वार्थ स्नेह है तो वो तुम ही तो हो। अनुभव हुआ है कि कोई है जिसे तुम और जो तुम्हें हृदय की गहराई से निस्वार्थ स्नेह करता है। कौन है वो? तुम्हारी माता, तुम्हारी पत्नी, या फिर तुम्हारी पुत्री? फिर विलंब क्यों कर रहे हो? जाओ, क्या कर दो अपनी पुत्री, जाओ। अपनी पुत्री को त्याग दो, अर्थात उसे पाताल की अगल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है।
और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो गया। जाओ त्याग कर दो अपनी पुत्री का और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त हो गया। जाओ त्याग कर दो अपनी पुत्री का जिससे तुम उस देवी को प्राप्त कर सको। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए ना ये लोक है ना परलोक है और ना सुख ही है।